सच छुपने नहीं देंगे। सही देना है कि अपना जो वोट है, अपना कीमती जो लोकतंत्र के त्योहार है 18वां लोकसभा है, और जो 20 मई के जो चुनाव होगी वो वोट अपना सोच समझ कर जनता दे कि सारण के लिए दोनों सत्ताधारी पार्टियां, चाहे जदयू के राजद के भाजपा कहिए, सारण के लिए क्या दिया है। कुछ भी नहीं ऐसा चीज है कि है सारण पे कुछ बेहतर काम या रोजगार को या किसी चीज़ के बेहतर नहीं है। सारण के जनता से रिक्वेस्ट है कि अपना वोट एक मरतबा हमें सपोर्ट करे, वोट उनका सपोर्ट हमारा। हजरत बताएंगे। और देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का आभार है कि इस भागम भाग में आप बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। देखिए, हम लोग अल्पसंख्यक हैं और दुनिया जानती है कि अल्पसंख्यक समाज पिछले 75 वर्षों से लगातार इस देश में जो वोट डाल रहा है उसके मुद्दे औरों से भिन्न हों। औरों के मुद्दे होंगे रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई के, लेकिन अल्पसंख्यकों का दुर्भाग्य है कि इनके मुद्दे आज भी सुरक्षा, शांति, सम्मान, ये प्रमुख मुद्दा हमारा। हमने भागीदारी को त्याग दिया, हिस्सेदारी को त्याग दिया, किसी भी दल से हमने आबादी के अनुपात में अपनी उपस्थिति कभी मांगी नहीं, हिस्सेदारी का सवाल भी नहीं उठाया। हमने तो सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, प्यार मोहब्बत भाईचारा एकता और शांति को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा वोट किया। और हमने सेकुलर पार्टियों को सदैव इसलिए मजबूत किया कि देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे। दुर्भाग्य से जिन पार्टियों को हमने मतलब टोकरी में भर भर कर वोट दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा वोट दिया है, तकरीबन 3 दशक से जिस दल को हम लगातार वोट दे रहे हैं, जिस मुख्य मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, दुर्भाग्य से उस दल के समर्थक लोग, उस दल के सहयोगी लोग और उस दल के सौजातीय लोगों के द्वारा ही अल्पसंख्यकों का हर जगह अपमान हो रहा, उन्हें हर जगह जो है परेशान किया जा रहा है। और एक दो नहीं, बिहार में अनेकों ऐसी कहानियां हैं। सारण के संबंध में 3 बातें समझनी है। पड़ोस में सीवान है, मरहूम शहाबुद्दीन के साथ, उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसको सारण के अल्पसंख्यकों को दिमाग में रखना चाहिए वोट डालने से पहले। हालांकि बिहार में दूसरे कई परिवार हैं, जैसे अनवारुल हक का परिवार है, लालू जी ने उनको भी ठिकाने लगवा ही दिया है, परिवार का नामो निशान नहीं है। एक तरफ आपकी वो बेटी जो भारत की सिटीजन भी शायद नहीं थी, बाद में बनी, सिंगापुर की सिटीजनशिप ली हुई थी, आप उसको उठा के लाकर थोपते हैं, तो लोकसभा भी आपको चाहिए। सारण में एक भी विधानसभा नहीं है जहां मुस्लिम है, विधानसभा भी आपको चाहिए, मेयर भी आपको चाहिए, प्रमुख भी आपको चाहिए, मुखिया भी आपको चाहिए, और वोट हमारा भी आपको चाहिए। और हमको आप सम्मान भी नहीं देंगे और शांति से जीने भी नहीं देंगे। जितने भी कॉमनल डिस्प्यूट हुए हैं सारण छपरा के अंदर, सांप्रदायिक दंगे और तनाव हुए हैं, उसमें बड़ी भूमिका आरजेडी के समर्थकों की रही है। आरोप बजरंग दल और आरएसएस और भाजपा पर लगाया जाता है, लेकिन जब MY का नारा दिया गया था तब कविता पढ़कर सुनाया जा रहा था कि मुस्लिम यादव भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई। तो अब सवाल यही तो आ रहा है कि जब हम भाई भाई थे तो भाई ने भाई को क्यों लूटा। तो इसलिए मुसलमानों से अपील है कि लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, ये बकवास नारा है। खतरे में हमारा सम्मान है। 2014 में भी कहा गया था कि संविधान खतरे में है, 19 में भी कहा गया था संविधान खतरे में है, और अगर संविधान खतरे में है तो देश के 100% नागरिक उसको बचाएंगे, केवल हमारे सर पर यह बोझ न दिया जाए। हम सम्मान की लड़ाई के लिए मैदान में आए हैं। सलीम साहब, आपके सम्मान, आपके क्षेत्र में भाईचारा, शांति, अमन और एकता कैसे कायम रहे, उसके लिए चुनाव मैदान में आए हैं। इसलिए आपसे अपील है, इनको मजबूत कीजिए, एक एक वोट इनको दीजिए, और ये चिंता कतई मत कीजिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि अल्पसंख्यक मतदाताओं के मन में एक भय दिया जाता है कि तुमने अगर एक भी वोट इधर उधर किया तो भाजपा जीत जाएगी। 2014 में भी 100% हमने वोट किया, भाजपा जीती। हमने 19 में भी वोट किया, भाजपा जीती। इसलिए हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा व्यक्तिगत किसी से भी नहीं है। हमारा सारण में आपको
दो गो लोकसभा है, 10 गो विधानसभा है, 20 प्रखंड है, 325 पंचायत है, 216 वार्ड है, इसमें एक भी सारण के व्यक्ति हमें बता दे कि कहीं स्वास्थ्य के बेहतर काम हुआ हो, शिक्षा के विषय में काम हुआ हो, या रोजगार के विषय में काम हुआ हो, एक भी बता दे कोई भी। कब नौकरी दिए, कैसे दिए, आप हमसे सवाल कीजिए ना, वो थे कौन, कौन है तेजस्वी जी? उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है या मुख्यमंत्री नौकरी देता है? तो जब इनके पिताजी और इनकी माताजी मुख्यमंत्री थे तब का डेटा दीजिए, कितनी नौकरी इन्होंने दी। जब इनके पास थी नौकरी तब तो दिया नहीं, और नीतीश कुमार के कांधे पे सवार होकर ये नौकरी का आप क्रेडिट ले रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है इनका, ये बरगला रहे हैं लोगों को। और इनकी सरकार आएगी तो फिर लूट होगा, फिर बालू माफिया, खनन माफिया, फला माफिया, सारे माफिया सक्रिय हो जाएंगे। मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का।